अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। हर वस्तु में प्रदेशत्व नाम का गुण होता है। ये प्रदेशत्व गुण बड़ा कमाल का रोल प्ले करता है। प्रश्न है अलोकाकाश का क्या आकार कहेंगे? अलोकाकाश अलोकाकाश आकार है, हम किसी और शेप का तो बतला नहीं सकते उसे। अलोकाकाश अलोकाकाश की शेप का है कि नहीं? नहीं साहब, फिर भी कुछ तो बताओ कि कुछ तो क्या बताएं? अपने आप को देख लो, भगवान बन जाओ, सब कुछ झलकेगा ज्ञान में, और क्या बताएं? क्या इसलिए कह रहे हैं हम आपसे, क्योंकि जो अलोकाकाश है वो आकाश द्रव्य है या नहीं है? यदि वो द्रव्य है तो उनमें ये छह सामान्य गुण नियम से पाए जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, सामान्य गुण छह नहीं है, सामान्य गुण अनंत हैं। सामान्य गुण अनंत हैं, अनंत हैं सामान्य गुण। क्या कह रहे हो पंडित जी? अनंत हैं, छह तो लिखे हैं यहाँ पर, छह ही पढ़े हैं हमने भी। अनंत होते हैं अनंत, क्या सामान्य गुण अनंत होते हैं? कि साहब हमने तो छह ही पढ़े हैं, जब जब पढ़े हैं। मैं बताऊं एक आध दो और आपको, द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक सामान्य गुण है सहजता। दोपहर में चल रही है चर्चा, क्या सामान्य गुण है सहजता सब द्रव्यों में? अच्छा, द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक गुण है क्रम नियमित परिणमन। द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक सामान्य गुण है स्वतंत्रता। सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, ये सामान्य गुण है। द्रव्यों के सामान्य गुणों में एक गुण है स्वावलंबन। क्या प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना ही अवलंबन है? ख्याल में आ रही है बात? क्या अनंत है अनंत, हम क्या बताएं आपको? छह की चर्चा विशेष रूप से शास्त्रों में आती है, इसलिए छह ही बताए गए हैं। चर्चा में यही कह दिए जाते हैं, छह सामान्य गुण। लेकिन बतलाओ कौन सा द्रव्य कौन से द्रव्य के अधीन है? सब द्रव्यों को अपने आप का अवलंबन है या नहीं है? क्या सबको अपने आप का अवलंबन है ना? स्वावलंबन नाम का गुण है कि नहीं है? सहजता है या नहीं है? जिनमें जो चर्चा चल रही है, हम जो बात कह रहे हैं आपसे, गंभीरता से विचार करना, ऐसे बहुत गुण निकलेंगे जो सब में कॉमन रूप से पाए जाएंगे सब द्रव्यों के अंदर। अकर्तापन ये द्रव्यों का सामान्य गुण है। क्या अकर्तापन सामान्य गुण है? स्वतंत्रता ये सामान्य गुण है। अकर्ता जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को चलाता नहीं, अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को रोकता नहीं, काल द्रव्य उनको परिणमाता नहीं, सब स्वतंत्र हैं। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में, सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मौन यहाँ। कैसे गुण हैं ये सामान्य गुण? क्या कह रहा है प्रदेशत्व गुण? क्या क्या काम क्या कर रहा है, रोल क्या प्ले कर रहा है प्रदेशत्व गुण? ये कह रहा है किसी भी आकार प्रकार को देख करके अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। क्या
अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। अरे यार क्या शेप है, अरे यार कितना सुंदर है, अरे यार इसकी डिजाइन तो देखो यार आप, यार क्या गजब की डिजाइन है भाई साहब। अरे भाई डिजाइन के बिना कोई नहीं होता है क्या, सबकी अपनी अपनी डिजाइन है, सबका अपना अपना शेप है क्या। ये प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है, बड़ा गजब की बातें हैं। प्रदेशत्व गुण कह रहे हैं आकार प्रकार पर मुग्ध होने की जरूरत नहीं है, कौन से आकारों पर, कौन सी डिजाइनों पर क्या। कर्तापन भी सामान्य गुण है, बिल्कुल। बहुत सारी शक्तियां हैं, अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति, ये सब द्रव्यों की सामान्य शक्तियां हैं। जैसे भाव शक्ति, ये सामान्य शक्तियां हैं। अभाव शक्ति सामान्य शक्तियां हैं। भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये आत्मा की 47 शक्तियों में भले ही कई हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य शक्तियां हैं जो सब द्रव्यों में पाई जाती है। एक मिनट के लिए धैर्य रखना, विशेष स्वाध्याय लोगों से कहता हूँ, जब दादा ने इस तरह का प्रतिपादन किया तो कुछ लोग शिकायत करते हुए गुरुदेव के पास में पहुंचे और उनसे जाकर के कही कि अरे आत्मा की शक्तियों को दूसरे द्रव्यों के ऊपर बतला रहा है, देखो ये क्या कह रहे हैं, ये भारेल जी क्या कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं, ये तो ये कैसे दूसरों के ऊपर लागू हो सकती है। तो गुरुदेव ने कहा भाई ये सही कह रहे हैं, सब द्रव्यों में है, प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त तो होता है, ऐसी उसमें शक्ति है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन, शक्तियों वाला प्रवचन सुन रहे हैं मयंक जी, अच्छी बात है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, प्रदेशत्व गुण हो गया है, इन सब गुणों को साधारण गुण कहते हैं, क्योंकि ये सब द्रव्यों में रहते हैं, क्योंकि ये द्रव्यों में रहते हैं, सब द्रव्यों में पाए जाते हैं क्या। इन गुणों के अतिरिक्त द्रव्यों में और भी गुण हैं क्या, और भी गुण हैं, विशेष गुण जो दूसरी क्वालिटी वाले कहलाते हैं। इन गुणों के अलावा द्रव्यों में और भी गुण हैं जो अलग क्वालिटी वाले कहलाते हैं, परंतु वे सब में नहीं रहते, इसलिए वे विशेष गुण कहलाते हैं क्या। वो जो और गुण है ना जो सब में नहीं रहते, छह में नहीं रहेगा वो विशेष गुण, जो छहों में रहेगा वो सामान्य गुण। क्लियर हो गया, सामान्य गुण जो छहों द्रव्यों में रहे, विशेष गुण जो किसी एक द्रव्य में रहे, किन्हीं दो द्रव्यों में रहे, किन्हीं चार द्रव्यों में रहे, पांच द्रव्यों में रहे, वो क्या कहलाएगा, विशेष गुण। छह में नहीं है इसलिए विशेष गुण कहा है। अब इन विशेष गुणों की संख्या यद्यपि अनंत है, लेकिन तो भी यहां 16 कह करके पुकारी है। 16 गुणों का डिवीजन देखेंगे अपन इन सब में। 16 गुणों को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कौन से द्रव्य में कौन से पाए जाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे, और ये विशेष गुण हैं इनसे कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इनसे किसी बात को हाईलाइट करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, थोड़े से उपयोग को एकाग्र करके बैठना, बड़ी मज़ेदार चर्चा है। अपनी चर्चा में मज़ा नहीं आए तो फिर कहाँ चर्चा में मज़ा आएगा। नाम याद कीजिए पहले, क्या कह रहे हैं, परंतु वे सब में नहीं रहते इसलिए वे विशेष गुण कहलाते हैं। नाम, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चार हो गए। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चार। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4+4, 8 हो गए। फिर गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना हेतुत्व, फिर 4, कितने हो गए, 12 हो गए। जीव के 4 ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, पुद्गल के 4 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, बराबर। फिर धर्म द्रव्य का 1 पकड़ लिया, गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहना, काल द्रव्य का वर्तना, ठीक है। तो ये 12 हो गए यहाँ तक। अब इन 12 के बाद में कह रहे हैं चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, 4 ये, तो 16 हो गए। याद हो गए सबको नाम,
जीव के चार, पुद्गल के चार, धर्म अधर्म आदि के मिलाकर के चार, तो 12 हो गए। फिर चेतनत्व अचेतनत्व और मूर्तत्व अमूर्तत्व, तो ये टोटल हो गए 16। याद हो गए साहब, सबको याद हो गए। अब सुनो, अब ये जो 16 याद हो गए हैं, अब इन 16 की चर्चा कर रहे हैं। इन भेदों से ये 16 प्रकार के गुण हैं, ये सब भेद बतला दिए। अब इन 16 प्रकार के गुणों में ये कह रहे हैं, आगे ये बताते हैं कि किस किस द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं। चलो, अब यद्यपि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर अगले पेज पर इसके लिए टेबल भी दी है, अपन उस टेबल को भी पढ़ लेंगे, है ना। और फिर ये टेबल पढ़ने के बाद में फिर हम उसे अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करके फिर हम कुछ विशेष बातें देखने का प्रयत्न करेंगे इन गुणों के आधार पर, क्योंकि ये विशेष गुण हैं। कोई चीज़ किसी और में नहीं है तो फिर दूसरे में वो क्वालिटी नहीं पाई जा सकती है, है ना। मैं अभी कुछ करने वाला हूँ, विशेष एक्सरसाइज कराने वाला हूँ आपको, अपने पास में है पर्याप्त समय। पहले देखिए, जीव के गुण पक्के कर लीजिए क्या क्या हैं, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं भैया। 16 में से जीव के कौन कौन से हो सकते हैं? गति, गति हेतुत्व का मतलब चलने में सही होगी। स्थिति हेतुत्व का मतलब रुकने में, निमित्त बनने वाला। अवगाहन मतलब जगह देना, ठीक है ना। और उसके बाद में एक का वर्तना, तो वर्तना शब्द का मतलब है परिवर्तन होना, ठीक है ना। हाँ, पहले 6 द्रव्य की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी ये 16 यहाँ अलग से बतला दिए हैं। देखिए, जीव की चर्चा करते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 6 गुण होते हैं। वाह, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, समझ रहे थे हम तो। ज्ञान का काम जानने का, दर्शन का काम देखने का, सामान्य अवलोकन का, सुख नाम का गुण है वेदन करने का, सुख दुख, सुख आनंद, आनंद का उपभोग करना, ये सुख का काम है। वेदन ज्ञान का काम है, और जो आनंद है ये आनंद सुख का काम है। और वीर्य ये पावर है, पावरफुल है, जीव में एक वीर्य नाम की शक्ति है। चेतनत्व, चेतन है भैया, चेतन, जागृति। सुनो सुनो, मैं ही चेतन हूँ, बाकी सारे के सारे द्रव्य है वो अचेतन है, क्योंकि ये मेरा विशेष गुण है ना, ये विशेष गुण की चर्चा चल रही है यहाँ। चेतनत्व सब में नहीं है। और अमूर्तत्व, हाँ किसी और में भी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये मेरी विशेषता है, मतलब सब में नहीं है अमूर्तत्व पना, मुझ में तो है, मैं अमूर्तिक हूँ। इसका मतलब मुझे देखा नहीं जा सकता, इसका मतलब मुझे आँख से नहीं देखा जा सकता है, ज्ञान से दिखता हूँ, अमूर्तिक हूँ। अमूर्तिक का मतलब जिसमें स्पर्श नहीं हो, अमूर्तिक का मतलब जिसमें रस नहीं हो, अमूर्तिक का मतलब जिसमें गंध वर्ण नहीं हो, उसका नाम है अमूर्तिक, है ना। 6 हो गए। चलिए पुद्गल की बात कीजिए। पुद्गल में कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व। देखो ऊपर क्या था, चेतनता थी, यहाँ क्या है, यहाँ अचेतनता है। ऊपर अमूर्तत्व था, यहाँ क्या है, मूर्तत्व है। क्या माने, पुद्गल जितने भी होते हैं वे जड़ होते हैं, पुद्गल जितने भी होते हैं वे बेजान होते हैं, पुद्गलों में जान नहीं होती, पुद्गल अचेतन हैं। और मूर्तिकपना भी है कि साहब हमें दिख तो नहीं रहा है, कि तुम्हें भले ही नहीं दिखे लेकिन मूर्तिकपना है, इतना समझ लेना। पुद्गल द्रव्य जो हैं ये मूर्तिक होते हैं, मूर्तत्व नाम का गुण पुद्गलों के अंदर पाया जाता है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व, ये 6 गुण हैं। चलिए आगे, ग नंबर का पॉइंट, धर्म द्रव्य में क्या है भाई साहब? धर्म द्रव्य में लगाओ गति हेतुत्व, ठीक है, गति हेतुत्व। गति हेतुत्व मतलब गमन में सहयोगीपना। फिर अचेतनत्व भी है और अमूर्तत्व भी है। अचेतन तो है ही धर्म द्रव्य, और अमूर्तत्व भी है क्योंकि वह अमूर्ति के धर्म द्रव्य भी। फिर इसी तरह से अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति का निमित्त बनता है, और अचेतनता भी है और अमूर्तिक भी है, ठीक है। फिर आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अवगाहना का काम करता है आकाश द्रव्य, और अचेतनता भी है आकाश में, आकाश भी जड़ है, और अमूर्तिक भी है,
इसका मतलब आकाश दिखाई नहीं देता है, आकाश में अमूर्तिक नाम का गुण है। वापस दो चार दिन पहले जो चर्चा की थी, बाहर देखो ऊपर नीला नीला दिखाई दे रहा है, बोले ये आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश अमूर्तिक है, पांच द्रव्य अमूर्तिक हैं। फिर काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व, वर्तना लक्षण है उसका, वर्तना उसकी पहचान का चिन्ह है। अचेतनपना भी ये काल में, काल भी जड़ है, अचेतन है, और अमूर्तत्व भी है काल द्रव्य में, माने जो काल द्रव्य है वो अमूर्तिक भी है, काल द्रव्य भी दिखाई नहीं देता है। ये तीन गुण हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जीव में छह और पुद्गल में छह, धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें तीन तीन गुण हैं। बराबर एट ए ग्लांस देख लीजिए एक बार, फिर कुछ विशेष बात कहनी है मुझे। 44 पेज नंबर पर देखिए, किस द्रव्य में कौन सा गुण, किस द्रव्य में कौन सा विशेष गुण है, यह इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इससे ये बात स्पष्ट समझ में आएगी कि कौन से द्रव्य में कौन सा गुण पाया जाता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात ऊपर नंबर डाल दिए हैं, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो तो ऊपर नंबरिंग के लिए है। बाकी छह द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, फिर नीचे पुद्गल द्रव्य, फिर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। बराबर, अब जीव द्रव्य की चर्चा करते हुए दर्शन ज्ञान सुख वीर्य चेतनत्व अमूर्तत्व, ये सब जीव द्रव्य के वही है, चार्ट उसी तरह का है, उसी को यहाँ दोबारा लिख दिया है। पुद्गल द्रव्य को स्पर्श रस गंध वर्ण अचेतनत्व और मूर्तिकपना, मूर्तिकपना किसमें है कि पुद्गल में। धर्म द्रव्य में बोले तीन है, गति हेतुत्व अचेतनत्व और अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य में बोले स्थिति हेतुत्व अचेतनत्व और अमूर्तत्व। फिर आकाश द्रव्य में बोले अवगाहनत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व, और काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व अचेतनत्व और अमूर्तत्व। सुनो ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, विशेष गुण का मतलब समझ गए आप, मुझ में है सब में नहीं है, इसका नाम है विशेष गुण। ज्ञान किस में है भाई साहब, ज्ञान किस में है, ज्ञान किसका गुण है, ब्रेन में, दिमाग में, ज्ञान किस में, आंखों में, ज्ञान किस में, किताब में। अरे यार पंडित जी क्या किताब चलाई है आपने, बहुत ही ज्ञान भरा है भाई, क्या बहुत ही ज्ञान भरा है किताब में, गजब का ज्ञान भरा है। मैं थोड़ा सा धीरे चलाता हूँ ना, जैसे पिछले दो दिन से दो दो पॉइंट चल रहे थे, तो पिताजी बोले सामने से, और थोड़ा फास्ट चला भाई, कोई आगे कुछ पढ़े तो कोई नई बात आए, और थोड़ा सा जल्दी चला, इतना धीरे धीरे क्या चलाता है, नई नई बातें, नई नई ज्ञान की बातें, और बातें आएगी, क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें आएगी, वो सब नई नई चलेंगी। तो सुनो भाई, किताब में ज्ञान भरा है क्या, अच्छा कंप्यूटर में तो बहुत ज्ञान है भाई साहब, कंप्यूटर में तो क्या बात करें, कंप्यूटर में तो बहुत ज्ञान है, कंप्यूटर में ज्ञान भरा है, इंटरनेट तो ज्ञान का खजाना है, गूगल में तो खूब ज्ञान भरा हुआ है। भैया गूगल हो या इंटरनेट, ये जीव द्रव्य हैं या पुद्गल द्रव्य हैं, ये पुद्गल द्रव्य हैं, तो गूगल इंटरनेट पुद्गल द्रव्य हैं, तो पुद्गल में देखो, देखो इसमें पुद्गल द्रव्य, देखो पुद्गल द्रव्य कहाँ है उसके सामने देखना फटाफट, ज्ञान है क्या, अरे यार पुद्गल में तो ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है, कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है, हाँ जी बिल्कुल ज्ञान नहीं है, देखो जरा क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, बसा लो अपने दिमाग में, इसका मतलब पुद्गल में ज्ञान नाम का गुण नहीं होता है। ओहो गजब हो गया, तो दर्शन नाम का गुण किसी और में, बोले कहीं नहीं है, तो सुख नाम का गुण कहीं और दिख रहा है क्या, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश में, पुद्गलों में, कहीं दिख रहा है आपको सुख नाम का गुण, नहीं नहीं टीवी में तो है, टीवी में तो सुख नाम का गुण है, सुख नाम का गुण टीवी में, मैगजीन्स में, मेले में, जुलूस में, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनमें, सुख सुख नाम के गुण की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर है, हमें जहाँ जहाँ सुख दिखाई देता हो तलाशना जरा फटाफट फटाफट, देखो जरा अपने माइंड को ओपन करो जल्दी से, मुझे सुख कहाँ कहाँ दिख रहा है, लड्डू में, और अब मजा आ गया लड्डू को देखते ही, तो क्या मजेदार दिख रहा है लड्डू देखते ही, मजा आ रहा है तुम्हारे को, कचोरी देखते ही, यार वाओ वाओ, गरम गरम केले के समोसे, वाओ मजा आ गया, अरे मजा आ गया देखते ही आपको, मजा कहाँ है, मजा कहाँ है, ये जो आपको केले के समोसे दिख रहे हैं, ये केले के समोसे हर्षवर्धन जी साहब, ये क्या है, ये जीव है कि पुद्गल है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है,
ये कौन सा द्रव्य है ये? पंडित जी द्रव्य तो पुद्गल है लेकिन मजा तो आता है। क्या? द्रव्य तो पुद्गल है लेकिन आनंद तो आ रहा है। क्या? आप लोग सामने से कितना भी लिखते रहो मैं बोलूंगा नहीं। क्या? राग का आनंद है, राग का आनंद, पुद्गल का आनंद है। पुद्गल में है क्या आनंद? है ही नहीं। विकल्प का आनंद है, मिथ्या है ये सारा का सारा आनंद। जिग्नेश भाई सब झूठा है आनंद, झूठी जग की सब आशाएं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब इच्छाएं। महल में आनंद है या नहीं? अच्छी गाड़ी में आनंद आता है? अरे पता है, गाड़ी में बैठ करके तो देखो मजा आएगा पंडित जी, एक बार देखो आप। पंडित जी यहाँ बैठो, यहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठो पंडित जी, मजा आएगा। ये नहीं आप इधर बैठो, इधर बैठो आप, चलाओ चलाओ इसको चलाओ और देखो क्या फील। आप देखो, आप देखना जरा इस सीट पर आकर के बैठो, कौन से सोफे पर आकर के बैठे, रिक्लाइनर दिखाई दे रहा, ऐसे ऐसा इधर से बटन दबाओ, ये पैर ऐसा खुल जाएगा ऐसा पूरा। क्या बिजनेस क्लास में सफर करो आप और ऐसे लेटे लेटे पूरे सफर करते हुए। क्या तो ऐसे ऐसे बिजनेस क्लास में, बिजनेस क्लास के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है और क्या आनंद आ रहा है, सीट में आनंद आ रहा है। क्या सीट जीव है कि पुद्गल है? तू पूरी दुनिया भर में तलाश करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ब्रेन वॉश करने की जरूरत हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रेन में से कुछ निकाल करके वापस ट्रांसप्लांट कर दो कुछ, क्या हो गया है? पूरे दुनिया भर में अच्छे सेट में आनंद आ रहा है, सब पुद्गलों में, सारे दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ पुद्गलों के ऊपर आकर्षित हो रहा है, सिर्फ पुद्गलों में आनंद मान रखा है। अच्छे मोबाइल में आनंद दिखाई दे रहा है, अच्छी गाड़ी में मजा आ रहा है, अच्छी भाषा में मजा आ रहा है। कोई शब्द यदि सामने से कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न होकर के मेरे को कुछ कह देता है मजा आ गया। अरे किस बात का मजा था ये तो बता, किस बात का मजा था? सामने वाले ने चार शब्द प्रशंसा के कह दिए, तुझे मजा किस बात का आ रहा है? शब्दों का मजा आ रहा है, पुद्गलों का मजा आ रहा है, भाषा का मजा आ रहा है। पुद्गलों में तो मजा ही नहीं है, पुद्गलों में तो सुख नाम का तत्व ही नहीं है, आएगा कहां से? लड्डू में सुख नाम का तत्व है क्या? मिलेगा कहां से? लड्डू पेड़े गुलाब जामुन खीर मालपुए मिश्री मावा, क्या आप कहो जितने नाम ले सकता हूं मैं, कहीं मजा नहीं है, कहीं मजा नहीं। चेहरा देखता है आईने के सामने खड़ा होता है, यार मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं, मजा आ गया यार, हेल्थ अच्छी बन गई। जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा थी उनकी कम हो गई तो क्या मजा आ गया, वजन कम हो गया तो मजा आ गया, कोई कहता है वजन बढ़ गया तो मजा आ गया। अरे ये जो वजन है ये वजन भी पुद्गल में होता है, जीव का गुण नहीं है वजन, सारी की सारी भाग दौड़। अच्छा असली चीज तो भूल ही गया मैं, कौन सी चीज? असली चीज तो थी नोट, असली चीज तो थी डॉलर, असली चीज तो थी पैसा। क्या बोलो धर्मचंद जी साहब, आप ही कह सकते हो ये बातें। कंकड़ पत्थर गले लगावे, चेतन को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, क्या बताएं? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया, इस भूल में इतना भूल गया, हीरे माणिक मोती जवाहरात न मालूम क्या क्या, क्या इतना इतना भूल गया, गोलगप्पे अरे मजे आ रहे हैं, देखो आप सब लगा लेना सब। क्या आपको जो पसंद हो, विवेक जी सिंघई जी बोलो, आपको जो पसंद हो वो बोलिए, किसमें मजा आ रहा है? अरे क्या बताएं पंडित जी, आप तो सब धो देते हो, सारी बातें सामने ला करके धर देते हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।